पूरा असम बाढ़ से बेहाल है। बारिश इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर पर भी कहर बनकर टूट रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी 75% डूब चुका है। बाढ़ ने 100 से ज्यादा जानवरों की जान ले ली है। आखिर क्यों काजीरंगा के लिए बाढ़ मजबूरी भी और जरूरी भी है? कैसे जानलेवा बाढ़ काजीरंगा के इकोसिस्टम की जरूरत बन गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। असम बाढ़ से बेहाल। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का बुरा हाल। आखिर क्यों काजीरंगा में फ्लड जरूरी भी और मजबूरी भी है? असम एक महीने से बाढ़ की चपेट में है और इसकी वजह यह है कि असम में ब्रह्मपुत्र समेत 11 नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बाढ़ से असम में भयंकर तबाही मची हुई है। लगभग सारे ही जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इससे इंसानों के साथ बेजुबान जंगली जानवरों की भी जान पर बनी हुई है। बाढ़ से असम के गोलाघाट और नगांव जिलों में फैले काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 75% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, यानी यहां कई तरह के पशु पक्षी हैं। लेकिन एक सिंह वाले गैंडों की यहां सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा ये पार्क टाइगर, हाथी और वाइल्ड वाटर बुफेलो के लिए भी मशहूर है। अपनी जैव विविधता के कारण ही साल 1985 में यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। काजीरंगा हाल के वर्षों में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में 131 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। इनमें काजीरंगा की पहचान बने एक सिंह वाले 6 गेंडे भी शामिल हैं, जबकि 116 हॉग डियर और अन्य जानवर भी शामिल हैं। इसके अलावा काजीरंगा से 96 जंगली जानवरों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। इनमें 2 सिंह वाले गैंडे और 85 हॉग डियर शामिल हैं। काजीरंगा में हर साल बाढ़ से बड़ी संख्या में जंगली जानवरों की मौत हो जाती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से ये बाढ़ इस पार्क और यहाँ रहने वाले जानवरों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। Currently, flood situation in Kaziranga is slowly improving. The water has stabilized now in most of the areas. Right now, we are having 69 camps under inundated condition. And so we are expecting the water should recede in the coming days. And so far, we have rescued 97 animals, including 2 rhinos and 1 elephant calf. And also, we have lost 131 animals so far. That includes 7 rhinos, 4 rhino calves, and 3 adult rhinos. So we are closely monitoring the situation. So we hope that in the coming days the water will recede, and so that we can ensure that the animals are in safe condition. लेकिन पिछली बार बड़े पैमाने पर तबाही 2017 में हुई थी। तब नेशनल पार्क का लगभग 85% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया था और 350 से अधिक जंगली जानवर मारे गए थे। आगे आपको असम में बाढ़ के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि काजीरंगा में क्यों फ्लड जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जानलेवा बाढ़ यहाँ के इकोसिस्टम की जरूरत कैसे बन गई है। दरअसल असम प्राकृतिक तौर पर बाढ़ के लिए संवेदनशील राज्य है। खासकर काजीरंगा पार्क का टाइगर रिजर्व ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी ऑंगलोंग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में बाढ़ तो यहाँ आएगी और ये यहाँ के इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। काजीरंगा मूलतः नदी पर आधारित इकोसिस्टम है, न कि जमीन पर आधारित। यही वजह है कि ये पानी के बिना चल भी नहीं सकता। काजीरंगा पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के आसपास जमा कछारी मिट्टी से बना है, यानी ये इलाका न केवल बाढ़ से बना है बल्कि इसे बने रहने के लिए भी लगातार बाढ़ की जरूरत होती है। हर साल आने वाली बाढ़ से पार्क का लैंडस्केप बना रहता है।
यहाँ की जमीन, पानी के स्रोत और जंगलों को बाढ़ के पानी से ही पोषण मिलता है। नदी में आई बाढ़ के कारण काजीरंगा में मछलियों की विविधता भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, बाढ़ की मदद से नेशनल पार्क में साल भर में भारी मात्रा में उगे खरपतवार लगभग खत्म हो जाते हैं। ये काफी जरूरी भी है, खासकर काजीरंगा में जहां ज्यादातर जानवर वनस्पतियों पर जिंदा हैं। ऐसे में जरूरी है कि घास फूस सही क्वालिटी और उनकी जरूरत के हिसाब से हो। ऐसे में खरपतवार का होना दूसरी वनस्पतियों की बढ़त को कम कर सकता है। वहीं बाढ़ में डूबने पर खरपतवार खुद ही खत्म हो जाते हैं। यहां तक कि ये माना जाता है कि अगर सालाना आने वाली बाढ़ न होती तो यहां पर केवल जंगल ही रह जाता, जबकि वनस्पतियां खत्म हो जाती। बाढ़ एक तरह से प्राकृतिक चयन का काम करती है। बाढ़ में केवल वही जानवर जिंदा रह पाते हैं जो मजबूत हैं, युवा हैं, जबकि बूढ़े और बीमार जानवर खत्म हो जाते हैं। पहले हर 10 साल में एक बड़ी बाढ़ आती और उसमें सारे जानवर खत्म हो जाते थे, जो घायल या बीमार हों। अब ये लगभग हर दूसरे साल होने लगा है। जानवर भी इसे समझते हैं और हर साल बाढ़ से बचने के लिए ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। वैसे बाढ़ से खुद को बचाने की कोशिश में जानवरों की जान भी जा रही है। दरअसल काजीरंगा से कार्बी आंगलोंग के ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए उन्हें नेशनल हाईवे 37 से गुजरना पड़ता है। यहां पर गाड़ियों की भी काफी आवाजाही होती है। ऐसे में सड़क पार करते हुए उनके गाड़ियों की चपेट में आने का डर रहता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा खुद लगातार बाढ़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को 24 घंटे काम करने और अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बाढ़ ने इंसानों और जानवरों को समान रूप से प्रभावित किया है। सर, कल आपने पूरे असम में बाढ़ पीड़ितों की सुध ली है। कल गौरव गोगोई सर ने कहा कि आपको उनको चिंता है कि आपको बाढ़ की कितनी जानकारी है। ये सब बड़ा लोगों का साथ मुझको डिबेट में मत फेंकिए। मेरा काम है बांध सहायता करना। बड़ा घर का बड़ा लड़का, मेरा उसमें कोई पड़ना नहीं। सर, बाढ़ की स्थिति कैसी असम में और किस तरह से? असम में बांध का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है सबको मदद करने का। सर, बाढ़ डिब्रूगढ़ का जो अवस्था है उसको लेकर किस तरह से? डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बिजली विभाग की, सर बिजली विभाग के पास मेन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकीकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक, वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है ना, लोगों का जान माल का नहीं। जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी। वो ऐसा बात नहीं है, आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता। काजीरंगा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन्हें एक नन्हा गैंडा फंसा हुआ दिखा। इस वीडियो में आप सीएम को नन्हे गैंडे को बचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए देख सकते हैं।